हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लगभग सभी का फेवरेट केएफसी स्टाइल क्रिस्पी चिकन बनाऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस को पसंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर 500 केजी चिकन लेग पीस को ले लिया है अच्छे से धोकर। अब एक लेग पीस को लेकर चाकू की मदद से हम ऐसे कट कर लेंगे ताकि मैरिनेशन अंदर तक जाए। अब बटर मिल्क को हम बना लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी। अब मैरिनेट करते हैं। पहले हम इसमें नमक डाल देंगे, फिर इसमें रेड चिली पाउडर, फिर नींबू का रस और गार्लिक का पेस्ट और अदरक की पेस्ट, और लास्ट में हम बटर मिल्क को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम रेफ्रिजरेट कर लेंगे 2 से 3 घंटे। अब हम कॉर्नफ्लावर की पेस्ट बना लेंगे। पहले 1 कप कॉर्नफ्लावर और 1/2 कप मैदा डाल देंगे, फिर इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसको साइड पे रख देंगे। अब हम एक मिक्सिंग जार में हम कॉर्नफ्लेक्स, नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स जो मिलता है उसको, इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। अब एक चिकन लेग पीस को हम कॉर्नफ्लावर की पेस्ट में डुबोकर और अब दूसरे हाथ से हम कॉर्नफ्लेक्स की पाउडर से हम कोट कर लेंगे। ऐसे करके हम सारे लेग पीस को तैयार कर लेंगे। अब हम एक प्लेट में पाउडर नहीं, एकदम नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स को लेकर हम फिर से इसको डिप करेंगे कॉर्नफ्लावर के पेस्ट में और ऐसे करके हम लगा लेंगे कॉर्नफ्लेक्स के। देखिए कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, एकदम क्रंची भी होगा ये। ऐसे करके खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। ऐसे हम सारे बना लिए। अब चलिए हम एक स्पाइस मिक्स बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और काला नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, इसको हम मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब मीडियम फ्लेम में हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। देखिए एक साइड में ये फ्राई हो गया है, अब दूसरे साइड को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी चिकन बन के रेडी हो गया है। अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल में। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हुआ है और अंदर से एकदम मॉइस्ट और जूसी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।